तुलसी को हम माता के रूप में पूजते हैं। हमारे सभी घरों में तुलसी लगी होती है, पूजा तो होती है और साथ में हम उसकी पत्तियों का भी प्रयोग खाने में, चाय इत्यादि में और प्रसाद में प्रयोग करते हैं। भारतीय जो परंपरा थी, पुरानी जो संस्कृति थी, उसके अनुसार तुलसी को इसलिए माता के रूप में पूजा गया क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा गुण होते हैं, अगर उसको धार्मिक कारण से जोड़ दिया जाएगा तो लोग इसका प्रयोग करेंगे। ये एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को रखती है और हमारे बॉडी में हज़ारों तरह के होने वाले रोगों को सही करने की क्षमता केवल तुलसी में ही होती है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसको सारी चीजों को एक धर्म के साथ जोड़ दिया, संस्कृति के साथ जोड़ दिया, जिससे कि लोग तुलसी की पूजा भी करने लगे और उसका प्रयोग भी करने लगे। दोस्तों, इसी तरीके से आईएमसी कंपनी श्री तुलसी नाम का एक प्रोडक्ट निकालती है जिसमें 5 तरह की तुलसियों का एक्सट्रैक्ट होता है। हमारे घरों में तो एक ही तरह की तुलसी लगी होती है, 2 तरह की लगी होती है, लेकिन इसमें 5 तरह की तुलसियों का एक्सट्रैक्ट होता है। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को ये होने नहीं देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्री तुलसी के 5 फायदे। हम 5 फायदे बताएंगे कि श्री तुलसी हमारी बॉडी में तरीके से काम करेगी। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विरार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट YouTube चैनल। दोस्तों, आईएमसी कंपनी की जो श्री तुलसी होती है उसमें 5 तरह की तुलसियों का एक्सट्रैक्ट होता है। उनके नाम है श्याम तुलसी, राम तुलसी, विष्णु तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी। ये 5 तरह की तुलसियां होती हैं, इनका एक्सट्रैक्ट होता है यानी कि सत होता है और ये सत जब एक साथ हमारी बॉडी पर जाता है, इसको लेने का तरीका होता है आपको गुनगुने पानी में 4 से 5 बूंद डाल करके पीना होता है। अगर आप मॉर्निंग पे सुबह उठने के बाद पी लेते हैं, सारा दिन आप फ्रेश फील करेंगे और साथ में आपके लिए बहुत सारा ये फायदा करने वाला होता है। तो हम इसके फायदे बताते हैं। पहला फायदा आप समझ लीजिए, इसका पहला फायदा होता है अगर आपको खांसी है, गला बैठा है या जुखाम जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप श्री तुलसी की 4 से 5 बूंदें पानी में मिलाकर के पिए और साथ में गरारा करेंगे तो आपकी जो जुखाम खांसी और ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, शरीर में हमारे जो रक्त होता है, रक्त की जो गंदगी हो जाती है, जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो उस टॉक्सिन्स को सही करने में सक्षम होता है। जिन लोगों को मुहासे वगैरह की प्रॉब्लम हो रही होती है या ब्लड में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही होती है, ब्लड गंदा हो रहा होता है, उन लोगों के लिए श्री तुलसी बहुत ही फायदेमंद है। श्री तुलसी का नियमित सेवन करेंगे तो आपके शरीर में ये ब्लड प्यूरिफायर की तरीके भी काम करता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो श्री तुलसी दांत, खाद, खुजली में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसको पीने से तो फायदा मिलता ही है, हमने पहले ही बताया था, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज को लेकर के रखता है। तो जहां पर आपको दांत खाज हो जाए वहां पर आप इसको लगाएंगे, आप सरसों के तेल के साथ भी लगा सकते हैं, आप नॉर्मली इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर इसको आप रेगुलर लगाते हैं तो आपकी दांत खाज की जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये हो गए 3 पॉइंट। अब चौथे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। पॉइंट की बात करें तो जो लोग मोटे हैं, जिनका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उन लोगों को गुनगुने पानी में सुबह सुबह खाली पेट श्री तुलसी और एक श्री हल्दी आता है अपना कर्क्यूमिन के साथ, 4-4 बूंदे डाल के पिएंगे ना, जिन लोगों का मोटापा, ओबेसिटी बढ़ रही है, बॉडी में फैट बढ़ रहा है, उनके फैट को ये सही करता है, आपका मोटापा कम करेगा और जो लोग सामान्य हैं उनके शरीर को फिट और तंदुरुस्त बनाएगा। पांचवें पॉइंट की बात कर लें तो श्री तुलसी अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है या पेट आपका सही नहीं रहता, तो अगर मुंह में छाले हैं तो गुनगुने पानी में श्री तुलसी को लेकर पिएंगे, साथ में आप गरारा भी करेंगे तो आपके जो मुंह के छाले की समस्या होगी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ये थे तुलसी के 5 फायदे, इस वीडियो पे आपको हमने बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको हिट करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा तो फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनेंगे उनके नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।